गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग टॉपिक पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड ये जो पेनक्रियाज है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। डाइजेशन में जैसे लाइक हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज। तो फर्स्ट चीज हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो द पेनक्रियाज इज ए इलोंगेटेड ट्रैप्ड ऑर्गन लोकेटेड अक्रॉस द बैक ऑफ द वेली। एंड द पेनक्रियाज इज ए सॉफ्ट फाइनली लोब्यूलेटेड इलोंगेटेड टू एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जस्ट हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कि जो पेनक्रियाज है, ये एक इलोंगेटेड ट्रैप्ड ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है ये बेली। बेली मीन्स हमारा पेट। तो बैक ऑफ बेली, जो हमारी बॉडी में पेट है उसके बैक साइड में पेनक्रियाज का लोकेशन होता है, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। एंड नेक्स्ट, द पेनक्रियाज इज ए सॉफ्ट फाइनली लोब्यूलेटेड। पेनक्रियाज एक सॉफ्ट और एक फाइनली लोब्यूलेटेड मीन्स एक गोलाकार स्ट्रक्चर का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज। एंड इलोंगेटेड एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज दो ग्लैंड का काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी ये काम करेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो द पेनक्री एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेटेड द पेनक्रियाटिक जूस एंड एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेटेड द हार्मोन। जो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन जो पार्ट रहेगा वो सीक्रेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस के लिए, एंड जो एंडोक्राइन पार्ट रहेगा वो सीक्रेट करेगा हार्मोन्स के लिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, द पेनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। पेनक्रियाटिक जूस काफ़ी हेल्पफुल होता है डाइजेशन करने में, जिसमें हमारा है लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। एंड पेनक्रियाटिक हार्मोन्स मेंटेन ग्लूकोज लेवल। और जो हमारा पेनक्रियाटिक हार्मोन है वो हमारा हेल्प करेंगे ग्लूकोज हार्मोन ब्लड शुगर जो ब्लड शुगर लेवल है जो बॉडी का उसको मेंटेन करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द राइट साइड ऑफ द ऑर्गन कॉल्ड द हेड, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन एंड लाइज द इट इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इसका शेप। अब पेनक्रियाज जो है इसका शेप होगा द पेनक्रियाज इज ए जे शेप्ड ऑब्लिक्यूली। पेनक्रियाज का जो शेप रहेगा वो जे शेप रहेगा। इसका लेंथ पेनक्रियाज की है 12 टू 15 सेंटीमीटर एंड विदित जो रहेगी पेनक्रियाज की वो 3 टू 4 सेंटीमीटर है। थिकनेस है 1.5 से 2 सेंटीमीटर एंड वेट है 80 टू 90 ग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकेशन की, पेनक्रियाज का जो लोकेशन है वो एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो द पेनक्रियाज लाइज मोर और लेस हॉरिजेंटली ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द एपिगैस्ट्रिया एंड लाइपोहाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। पेनक्रियाज जो हमारा लोकेशन होगा पेनक्रियाज का वो हॉरिजेंटली होगा लेस, और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के एपिगैस्ट्रिया एंड लैप हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में ये लोकेशन होती है इसकी, ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है इट क्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल्व ऑब्लिकली फ्रॉम द कनेक्टिविटी टू द राइट साइड ड्यूडेनम एंड स्प्लीन अपोजिट साइड द लेवल ऑफ द T12 एंड L3 वर्टिब्रा। पेनक्रियाज हमारा राइट साइड में ड्यूडेनम पार्ट से अटैच होगा एंड लेफ्ट साइड में अगर अपोजिट साइड में बात करेंगे तो ये स्प्लीन से अटैच होगा, और जिसका लेवल रहेगा T12 टू L3 वर्टिब्रा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्राम में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड है, इस साइड हमारा स्प्लीन है, ये इससे अटैच रहेगा एंड राइट साइड में ये हमारा जो पार्ट रहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है जो कि राइट साइड पेनक्रियाज अटैच ड्यूडेनम से होगा, और लेफ्ट साइड में जो पेनक्रियाज है उसका जो टेल पार्ट है वो स्प्लीन से अटैच होगा। और इसका जो वर्टिब्रा का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं कि T12 से स्टार्टिंग हुआ है और L4 तक इसका वर्टिब्रल लेवल रहेगा। ओके, नेक्स्ट फिर हम इसके बात करते हैं फंक्शन की। पेनक्रियाज का जो फर्स्ट फंक्शन है द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द पेनक्रियाज हेल्प टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट फैट
प्रोटीन्स एंड एसिड इन द ड्यूडेनम। फर्स्ट अगर बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा पेनक्रियास का, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स एंड एसिड का इन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पार्ट में ये हेल्पफुल होगा ब्रेक डाउन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन्स का एंड एसिड का। एंड नेक्स्ट है हमारा, दीज एंजाइम्स ट्रेवल इन टू द पेनक्रियाटिक डक्ट इन टू द बाइल डक्ट इज एन इनएक्टिव फॉर्म। When they are enters the duodenum, they are activate the exocrine tissue also secreted bicarbonate to neutralize stomach acid in the duodenum. Next, अगर हम इस next point की बात करें तो इसमें जो pancreatic duct है into the bile duct, pancreatic duct जो है वो bile duct जो आपस में enzymes हैं वो inactive form में रहेंगे। Then नेक्स्ट आगे जाके व्हेन दे आर एंटर्स द ड्यूडेनम, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट है और बाइल डक्ट है, ये ड्यूडेनम पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें ये जाके एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे, जो कि द एक्सोक्राइन टिश्यू आल्सो सीक्रेटेड, सीक्रेट करेंगे वहां पर जाके बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो कि न्यूट्रलाइज करेगा स्टोमक एसिड को ड्यूडेनम में। ओके, अगर नेक्स्ट हम पार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, तो द मेन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द पेनक्रियास आर इंसुलिन एंड ग्लूकागोन विच रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी एंड सोमेटोस्टेटिन विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ओके, तो इसके देखिए मेनली जो हार्मोन्स के नाम हैं, जो मेन जो हार्मोन्स रहेंगे वो थ्री हार्मोन्स हैं। फर्स्ट हार्मोन्स है इंसुलिन हार्मोन, एंड सेकेंड है ग्लूकागोन हार्मोन्स, एंड थर्ड है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड हार्मोन्स की बात करेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड हार्मोन्स है इंसुलिन और ग्लूकागोन, विच रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन्स रहेगा ये रेगुलेट करेगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल के लिए, एंड सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन्स है विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स जो है वो प्रिवेंट करेगा रिलीज जो होगा हार्मोन्स ग्लूकागोन और इंसुलिन, इनके लिए प्रिवेंट यानी कि रोकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं फिर से तो पार्ट्स की बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट। तो एक्सटर्नल पार्ट में अगर बात करें हम तो हमारा एक्सटर्नल पार्ट में होगा हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, देन इंटरनल पार्ट मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट इस पार्ट है हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, ओके, अगर इसमें हम नेक की बात करें तो नेक का जो पार्ट रहेगा वो हेड और बॉडी के बीच का पार्ट रहेगा, यानी कि ये जो पार्ट होगा ये हमारा नेक का पार्ट रहेगा। एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये बीच में एक लाइन सी जो आई है, येलो कलर की डार्क लाइन आई है, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, और ये हमारा है बाइल डक्ट, जो कि हमारी लीवर से आती है गॉल ब्लैडर के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट, देन ड्यूडेनम जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिर से तो हेड की, इट इज ए इनलार्ज डिस्क सी शेप्ड राइट एंड ऑफ द पेनक्रियास विच लाइज इन द कनेक्टिविटी ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनल लूप इन फ्रंट ऑफ द L2 वर्टिब्रा एंड नेक। इट इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द ग्लैंड विच कनेक्ट द हेड विद द बॉडी। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज डायरेक्टली फॉरवर्ड अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेल, इट इज ए नैरो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द पेनक्रियास। जो टेल जो हमारा है वो आप देख सकते हैं कि काफी नैरो पार्ट हो जाता है आगे के लिए स्लाइड में, ये टेल जो कि टिप पे जो पार्ट होता है उसको हम टेल बोलेंगे। इट लाइज इन द इल्यूरिनल लिगामेंट विच अलॉन्ग विद स्प्लीन बेसिल्स, जो कि एक इल्यूरिनल लिगामेंट है उसके साथ ये स्प्लीन और बेसल्स के साथ ये अटैचमेंट इसका रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट, इट बिगिंस इन द टेल एंड ट्रांसवर्स द होल लेंथ ऑफ द ग्लैंड नियर द पोस्टीरियर सरफेस। यानी कि पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो स्टार्टिंग पार्ट से और टेल तक इसकी होल पूरी लेंथ रहेगी पेनक्रियास के अंदर, और देन इट जॉइंट द बाइल डक्ट इज पियर्स द ड्यूडेनल वॉल ऑफ द फ्रॉम द हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, जो कि जॉइंट होता है बाइल डक्ट से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि
ये पेनक्रियास है, और पेनक्रियास का ये वाला जो पोर्शन है ये है पेनक्रियाटिक डक्ट, जो हमने इसको मेंशन किया है, और ये है बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जिस पोर्शन पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। जैसे आप यहाँ पर ही देख सकते हैं आपस में दोनों पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आके आपस में जुड़ जाएंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। ओके, और नेक्स्ट बात हम करते हैं फिर रिलेशन ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, एंटीरियर स्टोमक ट्रांसवर्स कोलोन एंड सुपीरियर मेनिस्ट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर में इसका रिलेशन रहेगा एरोटा इन्फीरियर वेना केवा, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, एंड सुपीरियर में रहेगा स्प्लीनिक आर्टरी एंड लेटरल में स्प्लीन। ओके, जैसा कि हम आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इसका लेफ्ट साइड है उस साइड आपका स्प्लीन का रिलेशन रहेगा, स्प्लीनिक आर्टरी का रहेगा, और जो हमने भी बात की थी सुपीरियर मेनिस्टिक आर्टरी, ठीक है, उसका रिलेशन इधर से हो जाएगा, ऊपर जो आपका सुप्रीम रहेगा इन्फीरियर वेना केवा है। ओके, तो ये इसका पूरा अटैचमेंट रहेगा, रिलेशन रहेगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेनक्रियास का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स एंड सिक्रेशन ऑफ द पेनक्रियास आईलेट्स, यानी कि कौन कौन सी सेल्स का सिक्रेशन होता है पेनक्रियास से। तो इसमें 4 सेल का सिक्रेशन होता है, फर्स्ट सेल है अल्फा सेल, सेकंड इज बीटा सेल्स, थर्ड इज डेल्टा सेल्स, एंड फोर्थ इज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फा सेल की। तो अल्फा सेल प्रोड्यूस द हार्मोन ग्लूकागोन एंड मेक अप अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ईच आईलेट्स, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन। ओके, अल्फा सेल जो है वो रिलीज करेगा ग्लूकागोन हार्मोन्स के लिए, जो कि ब्लड शुगर जो लेवल होगा बॉडी में ये उसको बढ़ाएगा। ओके, देन नेक्स्ट सेल है बीटा सेल। बीटा सेल प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन एंड मेकअप अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ ईच आईलेट्स, लेविटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन। बीटा सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन जो कि इंसुलिन हार्मोन होगा, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर से ये भी डेल्टा सेल। नेक्स्ट थर्ड हमारा सेल है डेल्टा सेल। द डेल्टा सेल अकाउंट ऑफ 4% ऑफ द आइसोलेट सेल्स एंड सीक्रेटेड द पेप्टाइड हार्मोन सोमेटोस्टेटिन। ओके, डेल्टा सेल जो है वो सीक्रेट करेगा पेप्टाइड हार्मोन्स जो है, जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होगा वो इनहिबिट द रिलीज ऑफ बोथ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल्स पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करेगा, जिससे रिलीज होगा सोमेटोस्टेटिन, और सोमेटोस्टेटिन जो होगा वो इनहिबिट करेगा ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों हार्मोन्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट लास्ट है हमारा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम पीपी सेल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पीपी सेल अकाउंट फॉर अबाउट 1% आईलेट सेल्स एंड सीक्रेटेड द पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इट इज थॉट टू प्ले अ रोल इन पेप्टाइल एज वेल एज इन रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सीक्रेशन। ओके, पीपी सेल्स जो है ये इससे सीक्रेट होगा अ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, जो जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो प्ले रोल रहेगा वो रहेगा रेगुलेशन में। रेगुलेशन ये एक्सोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो सीक्रेशन होंगे उसका ये रेगुलेशन में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो फर्स्ट सबसे जो ब्लड सप्लाई है, फर्स्ट है स्प्लीनिक आर्टरी, देन सेकंड है सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, एंड थर्ड है इन्फीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। ओके, तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्प्लीनिक आर्टरी। द स्प्लीनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द कोलिलिकल ट्रंक एंड इट्स मेन सोर्स ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द पेनक्रियास। ब्लड सप्लाई में जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। मेन जो ब्लड सप्लाई रहेगी वो स्प्लीनिक आर्टरी से रहेगी। देन सेकंड है सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। द सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। देन थर्ड है इन्फीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। इन्फीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेनिस्टिक आर्टरी। ये देखिए, ये है हमारी जो सबसे मेन ब्रांच रहेगी ब्लड सप्लाई की, स्प्लीनिक आर्टरी। ओके, ये है एरोटा, और जो हम कोलिक ट्रंक की बात कर रहे थे, कोलिन ट्रंक में से आप देख सकते हैं कि जो डिवाइडेशन हुआ है आर्टरी का, ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी है,
ठीक, इसमें से फिर से आर्टरी का एक डिवाइडेशन हुआ है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी। देन हमने एक बात की थी मेनिस्ट्रिक आर्टरी की, वो हमारा लोअर साइड में रहेगा, सुपीरियर मेनिस्ट्रिक आर्टरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर ब्लड सप्लाई की, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज। तो इसमें वीनस ड्रेनेज ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियाज इज इनटू द सुपीरियर मेनिस्ट्रिक ब्रांच ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन, देन द पैनक्रियाटिक वेन ड्रेन द रेस्ट ऑफ द पैनक्रियाज, सो डू बाय द स्प्लीनिक वेन। जैसा कि आप डायग्राम में फिर से देख सकते हैं, ये सबसे जो मेजर है ये पोर्टल वेन है। ओके, इसमें से ये ब्रांच, इसमें से फिर से डिवाइडेशन हुआ है जो कि स्प्लीनिक वेन है एंड इन्फीरियर मेनिस्ट्रिक वेन है। और इसमें फिर आप नीचे देख सकते हैं, ये है सुपीरियर मेनिस्ट्रिक वेन और राइट मिडिल कोलिक वेन एंड गैस्ट्रोकोलिक ट्रंक। ओके, नेक्स्ट फिर ये हमारा दैट इज लास्ट टॉपिक इज कवर पैनक्रियाज। ओके, थैंक यू।